दोस्तों, एक HVC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी ये इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइस जो होती है क्या होती हैं, कौन कौन से यूज होती है हमारे HVAC फील्ड में। जो भी HVAC फील्ड के जितने भी हमारी मशीनें होती हैं, चाहे HU हो, चिलर हो, या BRB BRF हो, या अडप्टेबल यूनिट हो, किसी भी AC हो, छोटा या बड़ा, हम सभी में इसका यूज करते हैं। तो इन सभी हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में हम यूज पता करना होता है कि ये प्रोटेक्शन डिवाइस आखिर हम यूज करते हैं। तो प्रोटेक्शन डिवाइस हम इसलिए यूज किया जाता है कि जितने भी हमारी मशीनें आती हैं बहुत कास्टली होती है, तो उसमें जो भी इक्विपमेंट लगा रहता है वो भी कास्टली होता है। तो उसको हमें सेफ्टी करने के लिए, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल की पावर जो होती है, अगर कभी हाई वोल्टेज या हाई करेंट होती है, तो उससे हमारे जो भी इक्विपमेंट लगा रहता है वो जलने का चांस रहता है, शॉर्ट सर्किट होने के भी चांस रहता है। तो इसलिए हम इन सभी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रोटेक्शन डिवाइस को हम यूज करते हैं अपने HVAC फील्ड में। तो सबसे पहले हम आप बात करना चाहता है, एक होती है हमारा सबसे पहले ELCB। आपने देखा होगा कि जब भी आपने ELCB, एक तरह से MCB टाइप का ही होती है, मगर ये होती है ELCB। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस होती है। जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमारे, जो भी इंस्टो, अगर हाई वोल्टेज आया, हाई अगर अर्थ को तो, और शॉर्ट सर्किट हो, तो उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर कहीं भी, अगर छोटा सा भी, अगर कहीं वोल्टेज का अगर इसके में कहीं भी डिफेक्ट होगा, तो वो इसका डिफेक्ट डिटेक्ट करने का ये काम करता है हमारा ELCB के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो भी होती है वो होता है आइसोलेटर। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटें होती हैं, आइसोलेटर का हम यूज करते हैं कि ये आइसोलेटर जहाँ से हम पावर सप्लाई अगर देना होता है AC को, या जो भी हमारी मशीनें लगी रहती है HVAC में, तो हम उसे आइसोलेटर के ही मदद से उसको वहाँ से पावर सप्लाई देते हैं, मेन स्विच के मदद से पावर आइसोलेटर से। तो आइसोलेटर का एक प्रकार का ये भी एक तरह के कंट्रोलिंग डिवाइस है, जो मैकेनिकल स्विच टाइप्स के होती है। इसमें आइसोलेटर फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन के टाइप से इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, जो हमारा क्या करती है, पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने का, या सेम MCB आपने देखा होगा उस टाइप का ये भी रहता है। और नेक्स्ट हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है MCB। MCB का नाम आपने बहुत ही सुना होगा कि MCB भी एक प्रकार के वो सर्किट ये भी होते हैं, मेंचर सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो हमारे शॉर्ट सर्किट और जो भी हाई वोल्टेज होती है, तो इन सभी के लिए अगर ओवरलोड हो गया, ओवर करेंट हो गया, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक करते कट ऑफ हो जाता है। यानी इसका जो भी ये आपने देख रहा है बटन, ये जो ग्रीन और रेड में देखा है, ये अपने आप क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जब भी हमारा हाई वोल्टेज या हाई ओवरलोड होगा, तो अपने आप गिर जाता है, और इससे हमारे डिवाइसेस को जलने से या उसको सेफ्टी करने से बचा देता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है, ये फ्यूज होती है। अपने फ्यूज को बहुत सारे जगहों पे इस फ्यूज होता है कि अगर जो भी हमारे डिवाइसेस होती है, अगर ज़्यादा हमारा पावर करंट जो भी कुछ भी होता है, तो सबसे पहला हमारा फ्यूज ही जलता है। तो और बाकी उसके आगे का जितने भी डिवाइसेस लगी रहती हैं, जितने भी हमारी कंट्रोलिंग, वो सब हमारा सेव रहता है, बस फ्यूज के ही वजह से वहाँ से हमारा एम्पियर करंट नहीं जा पाता है। तो डिफरेंट टाइप्स का फ्यूज भी होता है। अगर आपको अच्छा है कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इस पर भी पूरा वीडियो अच्छे से बता दूंगा कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या होता है, एक प्रकार के डिवाइसेज होती हैं। और नेक्स्ट हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, एक होती है RCCB। ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रोटेक्शन डिवाइस में ही आता है। ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हमारे जो भी यूज होती है, ये हमारा जब भी हमारा कोई भी प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होती है, उन सभी सर्किटों में अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा यूज होती है, कुछ भी अगर पावर का थोड़ा होता है, तो ये बहुत कम समय में ये सेंस कर उस डिवाइस को हम लोग को ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको डिसकनेक्ट कर देता है। जितना भी पावर सप्लाई होता है उसको पूरा डिसकनेक्ट करता है। ये नेक्स्ट हमारा आता है ओवरलोड रिले। ये भी एक हमारा का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रोटेक्शन डिवाइस में आता है, ओवरलोड रिले। ये मोस्टली आपको सभी ACU फ्रिजों में ज़्यादा आपको रिले विले देखने को मिलता है, तो इसमें भी हम एक प्रकार का ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर जो भी हमारे होती है, तो अगर इलेक्ट्रिकल मोटर वोटर आता है, तो उसको हम अगर ओवर हीटिंग होती है ज़्यादा उसको, तो उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम हमारा ओवरलोड रिले से हम उसको डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक कंटेक्टर। आपने मैग्नेटिक कंटेक्टर में देखा होगा, किसी भी AC में अगर लगा होगा, जो भी हमारा सिंगल फेज होगा, थ्री फेज, तो सिंगल फेज और थ्री फेज में आपको देखने को मिल जाता है मैग्नेटिक कंटेक्टर। और ये डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक कंटेक्टर भी आते हैं। तो मैग्नेटिक कंटेक्टर से ही मोस्ट हमारा जो भी सेफ्टी के डिवाइस करते हैं, कि जो हमारा HVAC में यूज, अगर बात करें तो जो भी हमारी
कंप्रेसर लगा रहता है, तो कंप्रेसर की जो सप्लाई हमारा देते हैं तो मैग्नेटिक कंडक्टर के थ्रू ही हम इसको पावर सप्लाई देते हैं, एक तरह से इसे इन कराते हैं पावर सप्लाई, और इधर से आउट कराने का काम हम मैग्नेटिक कंडक्टर के थ्रू ही हम करते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक कंडक्टर होती है, एक तरह से ये भी एक रिले टाइप से ही काम करता है, कि जो मोस्ट इलेक्ट्रिकली हमारी जो पावर मोटर वोटर होती है उन सबको लिए हम चलाने के लिए इसमें कंट्रोल करने के लिए ही हम मैग्नेटिक कंडक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आते हैं रिले। आपने रिले देखा होगा कि रिले का मोस्ट सबसे एसीओ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ये रिले, फ्रिज आपका एचवीएसी में फ्रिज व्रिज में भी रिले का यूज करते हैं। तो रिले का मेन कंट्रोल ये ओपन और क्लोज टाइप का भी होते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैंने बताया भी कि ओपन टाइप रिले भी होते हैं, क्लोज टाइप भी रिले होते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या करता है कि हमारे जो भी हमारे कंट्रोल डिवाइस होती है अगर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज होता है तो इसको ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है पावर सप्लाई को। और नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नाम आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं, जिससे हाई वोल्टेज हो लो वोल्टेज हो, तो हाई वोल्टेज से अगर लो वोल्टेज का यूज करना होता है वहाँ पर भी हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और एसी में हर आपको एसी में कोई भी एक ऐसा एसी नहीं होगा जिसमें आपका ट्रांसफार्मर ना हो, बिना ट्रांसफार्मर का और कोई भी एसी काम नहीं कर सकता है, उसमें ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिला होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर भी बाइंडिंग हो रहता है, ये भी एक तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है थ्री फेज वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। ये थ्री फेज वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो होती है ये हमारा मोस्टली थ्री फेज के जितने भी होते हैं सर उसमें हमको ये देखने को मिलता है मॉनिटरिंग रिले, इसको मॉनिटरिंग रिले भी बोलते हैं, कंट्रोल या कनेक्शन का काम करता है। जो भी हमारे डिवाइसेस लगी रहती हैं उन सभी डिवाइसों के एक तरह से इमरजेंसी अगर पावर सप्लाई ज़्यादा ज़्यादा हो गया तो सडनली इसको क्या करता है मॉनिटर यानी कंट्रोल करने का काम, और उसको रिले या इसको करने का काम ये हमारा कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सभी भी जितने भी ये मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिवाइस है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिवाइस मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंट्रोलिंग डिवाइस है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग डिवाइस हैं अगर मैं उनको सबको बारे में एक एक बताऊँगा धीरे धीरे से। तो अगर मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी एचवीएसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको किसी भी फील्ड में अगर कुछ भी अगर इस फील्ड से संबंधित अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप मुझे कमेंट कर सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं हो सकता है कि आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।